फ्रेंड्स, वेलकम टू दर्शी किचन। मैं दर्शी भावसार आज आपके लिए दर्शी की स्पेशल करेले फुदीने की चटनी लेके आई हूँ। आप फुदीने और कोरिएंडर की चटनी तो बनाते होंगे घर पे, मगर ये है कुछ नया ट्विस्टेड करेले फुदीने और कोरिएंडर की चटनी। करेले हमें भरपूर कैल्शियम देता है। 30s के बाद लेडीज को कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, तो ये चटनी अगर आप अपने खाने के साथ खाएंगे तो कैल्शियम की मात्रा आपके बॉडी में मेंटेन रहेगी। तो मेरी रेसिपी अवश्य ट्राई कीजिए। चलो देखते हैं करेले फुदीने की चटनी। तो चलो बनाते हैं करेले फुदीने की चटनी। इसके लिए मैंने 2 पाउल करी लीव्स लिए हैं। ये एकदम फ्रेश करी लीव्स है। इसको मैं मिक्सी जार में ले लूंगी। इसको मैंने अच्छे से 2-3 बार साफ पानी से धो लिया था। दो बाउल करी लीव्स के सामने 1 बाउल फ्रेश मिंट फुदीना। मीठे लिमड़े में करी लीव्स में बहुत सारा कैल्शियम होता है और गर्मियों में उसे बहुत अच्छी ठंडक मिलती है। ये मैंने 1 बाउल जितनी फ्रेश कोरिएंडर डंडी के साथ ही ले ली है। इसको मैं ऐसे हाथ से ही कट करके इसमें रख दूंगी। थोड़े पीनट्स है, आप चाहो तो इसमें कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। ये आलू का टुकड़ा है और ये 6 से 7 हरी मिर्च है, ये तीखी वाली है। इसको भी मैं जिंजर को थोड़ा कट करके डाल दूंगी और मिर्ची के भी थोड़े बड़े बड़े टुकड़े करके डाल दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लूंगी। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये पीसने के लिए जितना जरूर लगे उतना, थोड़ा 1/2 ग्लास जितना पानी डाल के मैं मिक्सी में इसे पीस लूंगी। इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूंगी और 1 टीस्पून लेमन जूस भी ऐड कर लूंगी। तो बनके रेडी है मेरी करी लीव्स फुदीने की चटनी। ये बहुत हेल्दी है, इससे बहुत सारा कैल्शियम मिलता है। आप अपने घर पे बनाए इसे पराठे के साथ या पैनकेक के साथ या किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं। तो आप मेरी रेसिपी घर पे अवश्य ट्राई कीजिए एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।